दोस्तों आज हम जानने वाले हैं आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से भारत 1962 का युद्ध चाइना से हार गया। वैसे तो ये माना जाता है कि चाइना के पास 1962 में करीब 80,000 सोल्जर्स थे, वहीं भारत के पास सिर्फ 20 से 22,000 सोल्जर थे। पर इसके अलावा भी एक और कारण था जिसकी वजह से भारत वो युद्ध हारा, और वो कारण था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जब भारत और चाइना के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और युद्ध की स्थिति बन गई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया। और जिस समय आर्मी के बीच में लड़ाई चल रही थी, तब उस समय आर्मी के लाख कहने पर भी नेहरू जी ने बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं दिया। और उस समय भारत की एयरफोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और उस समय अगर भारत की फोर्स की मदद ली जाती तो वो युद्ध आराम से जीता जा सकता था। और जहाँ एक तरफ हमारे भारतीय सैनिक मर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमें युद्ध में शांति बनाए रखना चाहिए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जिस समय ये युद्ध चल रहा था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद नेपाल में बैठे थे, और उस समय के भारत के डिफेंस मिनिस्टर खुद लंदन में बैठे थे। और यही खास वजह थी जिसकी वजह से भारत 1962 का युद्ध हार गया था, जिससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नेहरू जी को देश से ज्यादा अपनी कुर्सी ज्यादा पसंद थी। पर उस समय के भारत और आज के भारत में लाख गुना फर्क है, क्योंकि आज के समय में उंगली उठाने वाले का हाथ काट दिया जाता है।